Question number 8. उसमें दे रखा है आपके सबसे पहले वो वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब आपके यहाँ तो आपके अंतर कितना है, 3 का ग्रुप दे दिया, यहाँ अंतर नहीं है, ग्रुप नहीं दिया, ग्रुप बनाएंगे इसको यहाँ से जोड़ेंगे, आगे जाके जोड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे पहले वर्ग, तो यहाँ ग्रुप दे रखा है उसको भी ग्रुप बनाओ, क्या होगा 20.5 से 23.5 और 23.5 से हो जाएगा आपके 26.5 और ये लाइन आपकी यही रहेगी लगातार 26.5 से 29.5 से 32.5 और 32.5 से 35.5 और 35.5 से 38.5 ये आ गया वर्ग। अब क्या कर लेंगे हम, एक्स ज्ञात कर लेंगे सेंटर वैल्यू, अंतर है 3 का, आधा होता है 1.5, 1.5 जोड़ो, ये होता है आपके 22, बनते लगातार कितना है, 3 अंतर है, 3 जोड़ करो, 22 और 3, 25 और 3, 27 और 3, 30 और 3, 33, ये कम हो गए, 25 3 कितना 28, 3 31, 31 और 3, 34, 34 और 3, 37, हो गए दोनों बीच में वैल्यू। अब हम किससे करना है, dx करेगा किससे, किससे करना है dx कर लो, एक ही बात है, दोनों इजी है, मर्जी आओ कर लो अपनी, जो अपनी कॉपी में करने जाओ वैसे कर लो, ऐसे ऐसे से बहुत सारे करवाए dx के देख लो, इसको क्या मान लो आप 0, इसका सूत्र क्या क्या करने का, x माइनस a बटा i, बस लिखना है फॉर्मेटिव रूप में, मैंने ऐसा किया, जब किया क्या कि गिनती आएगी, माइनस a माइनस 2 प्लस a प्लस 2 प्लस 3, ये इससे क्या है बड़ा भाग मसा नहीं रहती, फटाफट कर लेते हो, बिना कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप, टाइम बच गए, 17 × 2 = 34 माइनस का 193, 0 194, ये 54 और ये हो गया आपके 30, ये फटाफट ज्यादा है, ये फाइनल है और कोई फाइनल नहीं, फॉर्मूले आज उल्टे भारी है। अब इस दोनों को गुणा करना है इनसे, एफ डी एक्स को गुणा करना है डी एक्स से वापस, 17 × 34 = 268, 193, 0, 194, 108 और ये होता है 90, बस ये फायदा है, बस फटाफट बिना कैलकुलेटर हो जाए, बाकी कोई फायदा नहीं इसका, फॉर्मूले इसका हार्ड है, बस ये फॉर्मूला, माइनस का 34 माइनस का 193 प्लस का 194 प्लस का हो जाएगा 54 प्लस का हो जाएगा 30, ये हो जाएंगे 51, ये है 68 प्लस 193 प्लस 194 प्लस 108 प्लस 90, ये होता है 653। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले समान समाधि ज्ञात करो, सीएफ जरूरत नहीं है वैसे लिखे हुए उत्तर में, उत्तर में देने के अंदर समान समाधि जेड और अस्थिर जेड से ज्ञात किया हुआ है, नहीं लिखा हुआ हो तो सभी लिख लो, मध्य का भी याद कर लो, मध्य का भी याद कर लो, दोनों से जेड से याद कर लो और मध्य का भी याद कर लो, नहीं तो फिर आप है आपको मालूम दिए गए उत्तर तो उसके हिसाब से करो, सबसे पहले समान समाधि लो, उत्तर क्या याद करने का, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन इंटू आई, जब डी एक्स से याद करे तब, अब ए कितना, ए किसको आधार माना हमने 28 को, जिसको आधार माना 28, FDX कितना दे रही है 51, N कितना, N तो दी याद के 17 प्लस 193 प्लस 399 प्लस 194 प्लस 27 प्लस 10 840, क्या कर लेंगे 840 और अंतर कितना समझ में आपके, 3 का अंतर है 51 इंटू 3 भाजक 840 प्लस 28 अब हम याद करेंगे जेड, पहले भाई पहले ये बताओ जेड का ग्रुप कौन सा है, सबसे अधिक बारंबार का या है उत्तर ये हो जाएगा 26.5 से 29.5।
अब डेल्टा वन ज्ञात करना है और डेल्टा टू ज्ञात करना है, ऊपर वाला अंतर और नीचे वाला अंतर 392 रुपए में माइनस 193 और 194, बस एक का फर्क है, 399 माइनस 193 ये होता है 206 और ये आएगा 205। सूत्र क्या क्या करें जेड क्या करने का, एल वन प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू अंतर कितना है, तीन दिन का अंतर है, एल वन 26.5 206 बटा 206 प्लस 205 इंटू अंतर कितना है, तीन का अंतर है, 206 इंटू तीन भाजक कितना होता है 411 प्लस 28.5 उत्तर हो जाएगा आपके 28। आ रहा फिक्स सफेद, अब है आपके क्या याद करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड याद करेगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे इनटू आई, पहले पूरा हल करेंगे और कंप्लीट बाद में गुणा करेंगे इसे, ये कितना है 653 बटा एन कितना है 840 माइनस एफ डी कितना देर का है 51 बटा 840 का होल स्क्वायर इंटू आई कितना है 3 का, 51 भाजक 840 इंटू 0.0607 ये हो रहा है आपके माइनस 0.00368 और यहाँ 653 भाजक 840 ये होते हैं 0.77738। उत्तर निकालेंगे पहले और फिर गुणा करेंगे हम तीन से, माइनस करेंगे 0.00368 उत्तर आया उसका निकालेंगे अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो क्या आया फिर गुणा करेंगे उसको तीन से, ये आएगा 2.64 कह सकते हैं। अब ज्ञात करेंगे जे, सूत्र क्या है ज्ञात करने का, ये 2.64 कहता है जे, सूत्र क्या है ज्ञात करने का समांतर माध्य माइनस जेड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना दे रखा है 28.18 माइनस 28 बटा 2.64 28.18 माइनस 28 भाजक 2.64 ये हो रहा है आपके 0.0682 आ रहा है क्या, 0.0068 लिखो तो रहेगा।